नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक धारावाहिक जय माता की और देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या रहेगा खास। हे प्रिय सरस्वती, ये लक्ष्मी श्रेष्ठ है या सरस्वती, ये अप्रासंगिक प्रश्न कैसे खड़ा हो गया? प्रश्न कैसे खड़ा हुआ, अब ये मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है या सरस्वती। लक्ष्मी से मुझे कोई विद्वेष नहीं, परंतु ब्रह्मा जी और तुमने मेरा उचित मूल्य नहीं आंका है। अतः मैं धरती पर जाकर यह सिद्ध करूंगी कि सृष्टि संचालन की आधार तीनों शक्तियों ज्ञान धन और शक्ति में मेरा ही स्थान सर्वोच्च है। तो देखते रहिए धारावाहिक जय माता की सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में आज आप देखेंगे कि भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए शक्ति को योग्यता माना है। इधर लक्ष्मण राम से धनुष उठाने से मना कर देते हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए शक्ति को ही योग्यता माना है, तो क्या जानकी की इच्छा पूरी नहीं होगी? स्वामी, क्या मेरा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा? कदापि नहीं देवी। अब वरमाला डालने के लिए तैयार हो जाओ सीते, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है। ठहरिए भैया। अब क्या हो गया प्रभु भैया लक्ष्मण को? तो क्यों रोका है लक्ष्मण ने राम को और क्या राम शक्ति परीक्षण में सफल होंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ में आज आपको देखने को मिलेगा कि जौहर बाबा साईं बाबा से कहते हैं कि तुमने लोगों के दिलों में विश्वास पैदा कर लिया है। अरे हो ना हो, मुझे विश्वास है कि सुशीला भाभी आप ही की दवा से ठीक हुई है। लेकिन ये साईं के भक्त कहते हैं कि साईं के ऊदी से ठीक हुई है, इसीलिए हम द्वारिका माई में जलने वाले उस धूनी को ही पुजा देंगे। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। साईं, तूने लोगों के दिल में अपने लिए कमाल का विश्वास पैदा कर लिया है। अभी क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, विश्वास ही जीवन का श्वास है, है ना? है ना? सबका मालिक। तो किस तरह साई ने लोगों के दिलों में विश्वास पैदा कर लिया है, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साई बाबा तेरे हजारों हाथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात धारावाहिक शक्तिमान की। धारावाहिक शक्तिमान में आज आपको देखने को मिलेगा कि प्रेतुला आधे शक्ति पुंज की शक्तियां हासिल करने के बाद बाकी बचे आधे शक्ति पुंज को किलविश के हवाले करने के लिए कहता है। त्विज, इस आदि काल में ही हमें मिल सकता है वो चौथा चक्र। जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि आठों चक्र मिलने से पहले ही शक्ति पुंज तक पहुंच जाए वो किलविश। मत भूल, तूने अभी तक आधे शक्ति पुंज को ही मेरे हवाले किया है, यानी पृथ्वी की आधी आत्मा पर ही मेरा कब्जा है। आधा कब्जा है तो पूरा भी हो जाएगा प्रेतोला। अंधेरे के नुमाइंदे ढूंढ रहे उसे और मिलते ही यहाँ ले आएंगे, मगर कब? तो क्या किलविश बाकी बचे हुए शक्ति पुंज को ढूंढ पाएगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।